से लेकर एक साल के बच्चों के लिए सबसे परफेक्ट है। इसे बच्चों को खिलाने से उनकी बोन पावर मजबूत होती है और उनकी ग्रोथ भी जल्दी और सही से होती है। इसे आप मिनटों में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे चावल लिया है। आपके घर में जो भी चावल अवेलेबल है उसे आप ले सकते हैं। यहाँ पे हमने चावल 3 चम्मच लिया है, आप चाहे तो 2 चम्मच भी ले सकते हैं। अभी क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं पानी डालेंगे। अभी पानी डालने के बाद हम क्या करेंगे, चम्मच से सहायता से इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और हमें मिक्स करने के बाद जो भी पानी है, इसका जो एक्स्ट्रा पानी है, हम क्या करेंगे इसको फेंक देते हैं। हमें चावल को कम से कम हम 2-3 पानी से हम इसको वॉश करेंगे। हमने यहाँ पे 1 पानी से हमने चावल को अच्छे से वॉश किया है। अभी क्या करेंगे, फिर से हम पानी डालेंगे और फिर से हम चम्मच से लगातार इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये भी पानी को फेंक देते हैं। इसी तरह से कम 3 या 4 पानी से चावल को अच्छे से धो लेना है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं। अभी इसमें पानी डालेंगे और ढक्कन लगाना है और 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के रख देना है। हमारे 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं। फिर अभी हम क्या करेंगे, चावल को लेंगे हाथ में, देखते हैं कि हमारे चावल टूट रहे कि नहीं है। हमारे चावल टूट रहे हैं, इसका मतलब हमारे चावल अच्छे से फूल गए हैं। अभी क्या करेंगे, यहाँ ये जो पानी है इसको फेंक देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है मिक्सर जार लिया है। अभी क्या करेंगे, मिक्सर जार में हम चावल को ऐड कर देते हैं। अब इसको ढक्कन लगा देते हैं और इसका पाउडर पेस्ट आने के तैयार कर देते हैं। हमारा जो पेस्ट एकदम तैयार हो चुका है। फिर आप देख सकते हैं इस तरह के हमें बारीक कर लेना है। अभी इसको ना साइड में रख देते हैं। यहाँ पे हमने लिया है 1 कटोरी और छर्नी। अभी इसमें छर्नी में हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे और चम्मच से सहायता से हमें इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि उसका जो चावल का जो कण है वो निकल जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे के लिए हमें बनाना है। इसी तरह से हमें छन्नी से अच्छे से इसको छान लेना है। आप देख सकते कितना सारा, आप चाहे तो इसको जब आप चावल बनाते हैं उसी समय आप ये इसको डाल देते, जो ऊपर का भाग है चावल का कण निकल गए, ये तो आप दोबारा मिक्सर में बारीक करके इसको पीस सकते हैं। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको साइड में रख देते हैं। हमारा जो पाउडर एकदम बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड, इस तरह से हमें बना लेना है। आपको दिखा तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अभी क्या करेंगे, इसको है ना हम साइड में रख देते हैं। अभी हम चलेंगे गैस की तरफ। यहाँ पे मैंने गैस को ओपन कर दिया है। अभी यहाँ पे रख दिया मैंने कढ़ाई। कढ़ाई रखने के बाद जो चावल का जो बैटर है हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ध्यान इस बात का रखें कि जब भी आप मिक्स करते हैं तो गैस का फ्लेम हमें एकदम मीडियम रखना है और मीडियम आंच पर इसको पकाना है अच्छे से। इसी तरह से हमें लगातार इसको चलाते रहना है। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कराना भूलिए। इसी तरह से हमें क्या करना है, पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और कम से कम हमें इसको 5 या 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और नमक डालने के बाद फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और फिर से हम क्या करेंगे, इसको 5 मिनट रख देते हैं पकने के लिए। आप बच्चे को हफ्ते में 2 या 3 बार इसे बनाकर दे सकते हैं और ये मिनटों में बनकर तैयार हो जाता है। इसी तरह से हमारा बेबी फूड रेसिपी तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।